इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस की कलह पर आज दिल्ली में किस किस के बीच फाइनल मंथन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के न्योते पर जम्मू कश्मीर में आज कौन कौन से दल कर रहे हैं बैठक, और यूपी में आज क्यों तेज है सियासी हलचल, और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई है ममता बनर्जी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज होने वाली एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आज मोदी विरोधी मोर्चे की एक बड़ी बैठक होने वाली है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों और मशहूर हस्तियों की एक अहम बैठक बुलाई है। और माना जा रहा है कि बैठक के बहाने शरद पवार विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं ताकि देश में एंटी मोदी फ्रंट बनाया जा सके। इस मीटिंग में देश की मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी और आगामी लोकसभा सत्र को लेकर भी विचार होगा। यह बैठक टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा के राष्ट्रीय मंच के बैनर तले बुलाई गई है और मीटिंग में आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम जैसे दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक शाम 4 बजे शरद पवार के दिल्ली वाले घर 6 जनपद पर होने जा रही है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में आज ये पहली बैठक है और एनसीपी ने कहा है कि धीरे धीरे इसमें कुछ और दलों को जोड़ा जाएगा। आज की मीटिंग से पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी एक अहम बैठक बुलाई है। तो आज की अहम बैठक होने जा रही है शरद पवार के घर शाम को 4 बजे, जिसमें आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा टीएमसी और बाकी तमाम दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे। आज की बैठक में टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा, एनसीपी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीआई के महासचिव डी राजा और पूर्व सांसद पवन वर्मा शामिल होंगे। इनके अलावा गीतकार जावेद अख्तर, वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा और लेखक सुधींद्र कुलकर्णी जैसे कई जाने माने चेहरे भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। शरद पवार के घर पर एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग से पहले कल ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर ने शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की थी और कुछ ही दिनों के अंदर पवार और प्रशांत किशोर की यह दूसरी मुलाकात थी। सूत्रों के मुताबिक पवार के घर पर बंद कमरे में हुई ये बैठक 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। दोनों के बीच क्या बातें हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर ने मुंबई जाकर शरद पवार से मीटिंग की थी। पवार के घर बैठकों के दौर पर शिवसेना का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार क्या कर रहे हैं इस पर शिवसेना सजगता से नजर रख रही है, दूसरे विरोधी दलों की सक्रियता पर भी शिवसेना की नजर है। अब मैं देख रहा हूँ पवार साहब ने सबको बुलाया है, एक दूसरे के साथ मंथन कर रहे हैं, देश की राजनीति के लिए अच्छी बात है। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ जो काम किया है उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। पवार साहब अगर प्रशांत किशोर जी से मिलते हैं, कोई जानकारी लेते हैं देश की राजनीति के बारे में, कोई सर्वे होता है, तो मुझे लगता है सबके लिए अच्छा होगा। तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने चुनौती रखना चाहिए? और आज की बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। विजयलक्ष्मी, एक तरफ देखने को यह मिल रहा है कि शरद पवार जहां पर उनके सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना है महाराष्ट्र में, लेकिन क्या ये दोनों दलों को नहीं बुलाया गया आज की मीटिंग में? बाकी सारे दल तो नजर आ रहे हैं।
देखिए ये जो मीटिंग है अमित, ये एक सोशियो पॉलिटिकल फोरम है जो यशवंत सिन्हा ने 2018 में बनाया था। तो इसमें नेता जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसके मेंबर होते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता भी इस नेशनल फोरम के नेता हैं, लेकिन वो पार्टी की वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें तमाम नेता शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, एनसीपी है, टीएमसी है, ये तमाम लोगों के नाम जो है हमें बताया जा रहा है, ये तमाम लोग आज की मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से कल प्रशांत किशोर ने मुलाकात की शरद पवार से, लगभग दो घंटे से ज्यादा उनकी मीटिंग चली शरद पवार के 6 जनपद के आवास पर। इससे पहले मुंबई में भी 3 घंटे उन्होंने मुलाकात की थी शरद पवार से। हालांकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन जिस तरह से मुलाकात हो रही है और लंबी लंबी बैठकें हो रही है, तो कर्टसी मीटिंग है ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन 2024 से पहले जिस तरह की तमाम तरह की स्पेकुलेशन है कि 2024 के आम चुनाव से पहले शरद पवार चाहते हैं कि एक थर्ड फ्रंट या एक ऐसा मोर्चा खड़ा किया जाए जो जो बीजेपी को टक्कर दे सके 2024 के आम चुनावों में, तो इसको एक उसी कवायद के तौर पे, एक पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम नेताओं को एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लाकर चर्चा की जाए और फिर शायद उसकी रूपरेखा आगे जाकर एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पर भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ये तमाम नेता इसे एक सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन ही बता रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब पीएम मोदी का मिशन नया कश्मीर। दिल्ली में एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग, तो कश्मीर में मोदी के नियोते पर मंथन के लिए गुपकार संगठन ने एक बैठक बुलाई है। अब से सिर्फ 2 घंटे बाद सुबह 11 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और गुपकार अलायंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला के घर पर मीटिंग होगी और इस बैठक के दौरान गुपकार अलायंस के नेता केंद्र सरकार से मिली बातचीत के नियोते पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अलायंस की ओर से कौन कौन से लोग बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करेंगे और पीडीपी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती को लेना है। आज की बैठक में गुपकार संगठन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीएम, जेकेएनसी और जेकेपीएम के नेता शामिल होंगे और अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द कर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था और तब 6 राजनीतिक दलों ने मिलकर गुपकार के नाम से एक गठबंधन बनाया था। कश्मीर में गुपकार संगठन की बैठक हो रही है तो दिल्ली में इस मसले पर कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस पैनल की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। यह बैठक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और मीटिंग में गुलाम नबी आजाद, करण सिंह, पी चिदम्बरम के साथ साथ जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर सब शामिल होंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मंजूर मीर। मंजूर, अब तक किन किन पार्टी की ओर से कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ चुके हैं, क्योंकि सज्जाद लोन शायद कह चुके हैं कि वो इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मीटिंग में जो दिल्ली में होगी। बिल्कुल अमित, पिछले 2-3 दिनों से जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ी से देखी जा रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने बैठकें की है। 3 दिनों से बैठकों का दौर जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कल जो बैठक की है, उन्होंने अपनी बैठक में ये साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 जून को जो ऑल पार्टी मीट होने जा रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कश्मीरी लोगों के दर्द और दुख को जो है पीएम से डिस्कस किया जाएगा। कश्मीर जो सिचुएशन है उसको पीएम के सामने एक रखने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से हामी भर ली है कि वो 24 जून को इस बैठक में शामिल हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी की सदारत में, वो भी आज फैसला करेंगे। उनकी तरफ से पहले ही एक पॉजिटिव नोट आया है कि वो ये एक अच्छा स्टेप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में वो जाने के लिए तैयार है। उन्होंने इसके संदेश जो है पहले ही दे दिए हैं। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो
वो पीपल्स अलायंस गुफकार डिक्लेरेशन पर है, जिसमें दो बड़ी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, जिन पर जम्मू कश्मीर की सारी सियासत जो है निर्भर करती है। उनका क्या फैसला होगा ये कुछ देर में तय होना है। 11 बजे जम्मू कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है वहाँ पर बैठक शुरू होगी, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सीपीआईएम के नेता, पीपल्स मूवमेंट के नेता जो है सभी लोग मिलेंगे। और जो मीटिंगों में जो खाका तैयार किया गया था अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, उस सारे खाके को जो है डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा क्या 24 जून को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सभी पार्टियाँ जो है 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कश्मीर इशू को जो है डिस्कस करेंगे, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर जो है ये मानते हैं कि ये एक सुनहरी मौका है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 11 बजे जब मीटिंग होगी उसके बाद पीएचडी का क्या फैसला होगा, तो उसके बाद ही तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ होगी। जी बहुत शुक्रिया मंजूर आपका। कश्मीर की तरह आज पंजाब पर भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज सुबह 11 बजे एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान के बनाए पैनल से मुलाकात करेंगे और आज ही राहुल गांधी भी पंजाब के कुछ नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। राहुल ने कल भी पंजाब के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी और पंजाब इकाई में गुटबाजी को हल करने के लिए गठित कांग्रेस पैनल ने 10 जून को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट के बाद सोनिया गांधी को कुछ मुद्दों पर जवाब चाहिए थे, इसलिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा दिल्ली तलब किया गया है। अटकलें यह भी थी कि सिद्धू को भी बातचीत के लिए एक बार फिर दिल्ली बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बात करेंगे संवाददाता विजयलक्ष्मी से। विजयलक्ष्मी, जिस तरह से एक इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा कि वो कोई शोपीस नहीं है, ठीक है, सिर्फ चुनाव के दौरान उनको निकाला जाए, उनको जिम्मेदारी चाहिए, तो ऐसे में जब वो खुलकर अपना रिवोल्ट कर चुके हैं, आज की बैठक में क्या फैसला आ सकता है, किस तरफ लाइन जा सकती है कांग्रेस की? देखिए अमित, पॉलिटिक्स में वो आम ट्विस्टिंग अपनी पार्टीज के साथ करते रहते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी जानते हैं कि जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पंजाब की पॉलिटिक्स में अपने आप को जहां वो चाहते हैं या जो बड़ा इंपॉर्टेंट पद वो चाहते हैं वो उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी आए थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को यहां कांग्रेस पार्टी में नहीं मिली और शुरू से हम देखते आए हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जब तक बयान देते रहते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते रहते हैं। अभी सिद्धू ने एक बार फिर कहा है कि वो कोई शोपीस नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहें, वो जनता का काम करना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि जो एक्सरसाइज लगभग 4 से 5 दिन तक ये 3 सदस्य कमेटी ने एक लंबी एक्सरसाइज की, जिसमें 100 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो लबोलबाब यही आया कि ज्यादातर नेता इस बात से सहमत थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में अगला चुनाव लड़े। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से तमाम जो एमएलएज हैं या नेता हैं उनको दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यही मानते थे। यही रिपोर्ट जो है वो कमेटी द्वारा आगे कांग्रेस अध्यक्षा को भी भेजी गई। आज फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया है कमेटी द्वारा। इस मीटिंग में जो है कैसे मुद्दों को रिजोल्व करना है इसकी ओर ही कांग्रेस पार्टी जो है आगे काम करेगी। लेकिन आपके पास एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की तरह यूपी में भी सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह आज फिर बीजेपी कार्य समिति के लोगों के साथ बैठक करेंगे और इन दोनों नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में आरएसएस के कई नेता मौजूद रहे। यूपी में कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं और इन बैठकों को इसी से जोड़कर देखा भी जा रहा है। आज की बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख और नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा होनी है। 20 दिन के अंदर दूसरी बार बीएल संतोष यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। बात करेंगे संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, आज की जो ये बैठकें होने जा रही है इसकी पूरी जो वर्किंग हो रही है इसका निष्कर्ष क्या निकलने जा सकता है अगर कुछ सामने आया हो तो? देखिए ऐसा है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव है तो सारी बैठक जो चल रही है, जो सारी ये कवायद हो रही है उन चुनाव की तैयारियों को देखते ही वो यही की जा रही है। पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हाल में कोरोना काल आया, इससे गांव-गांव में लोगों में नाराजगी हुई, लॉकडाउन हुआ उससे बेरोजगारी से लोग परेशान हुए, तो कैसे ये जो परेशानी है उनकी परेशानी दूर की जाए, पार्टी वर्कर्स कैसे गांव-गांव में लोगों तक पहुंचे, जनता से संवाद बनाए, जो संकल्प पत्र में वादे पूरे हुए हैं, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की स्कीम्स है वो जनता तक कितनी पहुंची है, ये सारी चीजें बताई जाए, बताने के लिए मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
पार्टी कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, खासतौर से कोरोना हेल्प डेस्क बना रखी है जगह जगह पार्टी ने। अब क्योंकि वैक्सीनेशन का बड़ा ड्राइव चल रहा है तो उसमें भी पार्टी का अहम भूमिका हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से नेताओं से कह रही है कि गांव गांव लोगों को टीका लगाएं। तो इन सारी चीजों की समीक्षा होगी। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या इन बैठकों में चुनाव को लेकर या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे कुछ? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का एजेंडा इसमें नहीं है, और जैसा मैंने बताया कि पूरी मीटिंग से चुनाव को लेकर हो रही है। ये जरूर है कि चार विधान परिषद की सीट खाली हो रही है जिसका नॉमिनेशन होना है 5 जुलाई को, तो कौन कौन से कैंडिडेट्स उतारे इस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन सारा फोकस यही है कि आने वाले दिनों में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी के दौरे होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें किस तरह की तैयारियां हों और जो काम चलाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से वो जनता तक कैसे पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका ये जानकारी देने के लिए। यूपी में तो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव जीत के बाद भी सियासी हलचल तेज है। नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है जिसमें कहा गया है कि नारदा स्टिंग मामले की जांच सीबीआई की विशेष अदालत से हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, और इस केस में सीबीआई ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को भी पक्षकार बनाया है। 17 मई को सीबीआई ने ममता सरकार के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप में सार्वजनिक हुआ था और इस स्टिंग में टीएमसी के मंत्री सांसद विधायक पैसे लेते हुए कथित तौर पर नजर आए थे, और स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल ने बनाया था। स्टिंग के सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा था और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। ममता सीबीआई जांच पर सवाल उठा रही है, लेकिन बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उल्टे ममता बनर्जी पर सवाल उठाया। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि 7 सप्ताह होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है, यह उचित नहीं है। आजादी के बाद पोस्ट पोल वायलेंस इतना भयानक, इतनी बर्बरता का, इतना आतंकी कभी पहले देखा नहीं। क्यों हम लोगों की मलहम नहीं लगा सकते? क्यों सरकारी अमले को इतना सजग नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस पर अंकुश लगाएं? यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में यूपी पुलिस ने ट्विटर को दोबारा नोटिस भेजा है और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। पुलिस ने 24 जून को लोनी बॉर्डर थाने में पेश होने के लिए समन जारी किया है, और इसके अलावा ट्विटर इंडिया के रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को भी 24 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक ट्विटर हेड अगर 24 तारीख को पुलिस थाने में नहीं पहुंचते हैं तो कानूनी प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने की कोशिश मानी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले सोमवार को ही ट्विटर की तरफ से पुलिस को जवाब मिला था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद हो सकते हैं, और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस के भेजे गए नोटिस में कुछ बदलाव करने के लिए भी कहा था, लेकिन पुलिस इस पर तैयार नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।